5 years of journey with this tricky but interesting market. मैं ट्रेडिंग वगैरह तो नहीं करता, वर्किंग एज ए डेरिवेटिव एंड टेक्निकल एनालिस्ट विद स्वास्तिक एंड स्मार्ट. एंड लाइक यहाँ पे कोई ऐसा कोई पर्टिकुलर टॉपिक नहीं है, चार अलग अलग टॉपिक है जिनको मेरे ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगा. शायद कुछ लोग एग्री करें कुछ नहीं करें, तो बिल्कुल आपके इनपुट चाहूंगा. अगर मैं कहीं लग रहा है कि मैं गलत हूँ तो बिल्कुल आप मुझे करेक्ट करिए, या कुछ एड ऑन करना है तो प्लीज मुझे गाइड करिएगा. आई विल स्टार्ट विद a very common option strategy, straddle and strangle. ये normally सभी को पता होगा क्या होती है. Simple, buying a call option and put option. Whether it is the at the money or in straddle, you buy the at the money and strangle different strike prices. कब करते हैं? Normally traders क्या करते हैं? कोई भी event आने वाला है. For example, RBI policy, bank policy, especially अभी result के time पे काफी लोग ये option strategy बनाते हैं. But it's not too easy to make money by this strategy. आप Infosys को देखो, 3-4 साल पहले काफी easily बन जाता था इस strategy से पैसा. But last 2-3 years क्या हो रहा है? कोई भी buy करता है, even Infosys moves about 10%, फिर भी वो lose करता है. वो trader फोन लगाता है, मुझे मतलब client फोन लगाता है, बोलता है क्या बेकू बनाते हो, 10% Infosys चल गया, बोल तो इधर ही कुछ बुरा कर लिया. ये होता है. ऐसा क्यों होता है? Actually, option की price mainly किस चीज़ पे depend करती है? It is an implied volatility. और तो आप जानते होंगे क्या होता है implied volatility, ज़्यादा उसमें detail नहीं जाऊँगा. But option का जो main pricing होता है, implied volatility पे depend करता है. कोई भी event आने वाला होता है, उसके पहले implied volatility बढ़ती है. First है, डर बढ़ता है, fear बढ़ता है, expectation बढ़ने लगती है. लोगों को लगता है बड़ा moment आने वाला है. तो लोग क्या करते हैं? Call भी buy करते हैं, put भी buy करते हैं. Event के एक दिन पहले तक ही जो आई भी इतनी बढ़ जाती है, उसकी वजह से ऑप्शन की प्रीमियम बहुत हाई हो जाती है. लोग हायर प्राइस पर बाय करते हैं. जैसे इवेंट आया, ऑप्शन की आई भी में शार्प फॉल आता है, तो ऑप्शन की प्रीमियम बहुत शार्प भी गिरती है. और इवन 10% के मूवमेंट पे भी जो कॉल ऑप्शन है इन्फोसिस का, वो बढ़ता है, बढ़ा नहीं. तो इसको अलग वे में कैसे यूज किया जाए? कुछ सिचुएशन ऐसी होती है जैसे लाइव मार्केट में कुछ रिजल्ट आते हैं, उसके पहले ठीक है ऑप्शन बाइंग किया हुआ कर लिया. अब रिजल्ट जैसे ही आए, हमको पता है रिजल्ट आने के बाद आईबी एकदम शार्पली गिरती है. आईबी गिरना मतलब ऑप्शन की प्रीमियम गिरना. जैसे रिजल्ट आए, स्टेबल होने दो, ठीक है स्टेबल हो गया, मतलब की क्लोजिंग के टाइम पे अब आप कॉल पुट बाय करके जाओ. इवेंट आने के बाद अब क्या होता है, ओवर द नाइट ब्रोकिंग हाउस के अपडेट्स आते हैं, लाइक सीएलएस क्रेडिट सीज वगैरह. और जैसे अभी ICICI बैंक में हुआ था, पूरी चीज बाहर नहीं आई थी, वो नाइट को आई. अब इसका क्या फायदा मिलता है? आप सस्ता बाय करते हो, काफी चीप, लाइक मोर देन लेस देन 50% यू हैव टू पे. नेक्स्ट डे अगर स्टॉक में अब मूवमेंट आया तो यू विल डेफिनेटली गेट अ गुड मनी. इसका एग्जांपल बहुत सारे हैं, मैंने नहीं लिया एक ही एग्जांपल दिया, बट एग्जांपल के तौर पर मैं आपको ICICI बैंक, यस बैंक, HDFC, बहुत सारे स्टॉक्स है जिसको आपने रिजल्ट के बाद उसमें ये स्ट्रेटजी बनाई है तो आपने डेफिनेटली अर्न किया है. एक ही एग्जांपल लिया मैंने, यस बैंक का 27th तो अप्रैल को इसकी रिजल्ट डेट थी. इट वॉज ट्रेडिंग एट 9:10. यहाँ पे स्ट्रैंगल लिया है मैंने, 920 का कॉल है, 900 का पुट, विच वॉज टोटल कॉस्टिंग अराउंड 19.4. ऑन रिजल्ट डे जिसने बाय किया था वो 8.6 हो गया. लूज करना सीधा 50% लूज कर दिया उसने. बट अब जिसने 8.6 में बाय किया, नेक्स्ट डे उसका कितना हो गया? 3 times हो गया. बिकॉज ओवर द नाइट CLSA से क्रेडिट स्विस दोनों ने इसके ऊपर अपडेट्स दिए. और क्रेडिट नाम कहते हैं न्यूज में देखो, बट आई थिंक ये जो ब्रोकिंग हाउस के अपग्रेड डाउनग्रेड्स होते हैं ना, वो पर्टिकुलर डे पे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. आप इजीली 3-4% का मूवमेंट देख लेते हो स्टॉक में. आई रिसेंटली जैसे ऑलोकामा में आया, स्टॉक 4-5% चल गया. ICICI बैंक को डाउनग्रेड किया रिजल्ट वाले दिन तो 1% भी हार्डली गिरा था, अगले दिन 4% नीचे और नेक्स्ट अगले दिन फिर 4% नीचे. तो ये स्ट्रेटजी का यूज आप ऐसे कर सकते हो स्पेशली रिजल्ट्स के टाइम पे. और ये बात ध्यान रखिए, रिजल्ट के बाद छुट्टियां नहीं होती. देखिए जिस टाइम इस बार इन्फोसिस में रिजल्ट फ्राइडे को आए थे, उस दिन ऑफ था मार्केट, उसके बाद 2 दिन का और गैप आ गया सैटरडे संडे, तो सारी न्यूज डिस्काउंट हो गई ऑलरेडी. अब उसमें बनाने से कोई सेंस नहीं. वो चीज जिसमें पूरी तरह से सारी चीजें बाहर निकल के नहीं आएंगे, वहां पे स्ट्रेटजी बहुत अच्छे से काम करेगी. एक और तरीका है इसको काम करने का, और वो इवेंट्स जो पूरी तरह से
मतलब प्रेडिक्ट नहीं हो रहे हैं, जहाँ बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी है. लाइक फॉर एग्जाम्पल इलेक्शन के रिजल्ट है, वो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा. मैंने इस स्ट्रेटजी बनाई थी, बहुत सक्सेसफुली काम की थी. क्या हुआ था, इलेक्शन के रिजल्ट आने के एक हफ्ते पहले मैंने कॉल को ट्राई करवा दिया. निफ्टी का जब 7900 क्या हुआ, हमको पता है कोई भी आउटकम के पहले इम्प्लाइड वोलेटिलिटी बढ़ेगी. आपने बाय किया मंडे को, इवेंट आने वाला है फ्राइडे को, तो फ्राइडे तक आपको दोनों का सम बढ़ जाएगा ऑटोमेटिकली. जो गिरने वाली चीज है वो इतना गिरेगी नहीं, और बढ़ने वाली चीज ज्यादा बढ़ेगी ड्यू टू इम्प्लाइड वोलेटिलिटी. तो इसका भी फायदा मिलता है. लाइक कोई बहुत ज्यादा अनसर्टेन रिजल्ट है, इंफोसिस के मान लो कल मॉर्निंग में आने वाले हैं रिजल्ट, एक दिन पहले मॉर्निंग में आप कॉल को दोनों बाय करो और शाम को निकाल दो, अगर टोटल पड़ जाएगा ड्यू टू आई पी. आई पी का हिस्टोरिकल लाइन क्या होता है कि नहीं, क्योंकि किसी के लिए कॉमन नहीं होती आई पी. हाँ, तो नहीं है किसी स्क्रिप्ट का. अगर मैं लास्ट 10 डेज हिस्टोरिकल डेटा आई पी का और एनएसपी साइट पर भी अवेलेबल नहीं रहता ना, हमें दो तीन रुपए ही बढ़े बट एटलीस्ट कुछ तो मिलेगा. रिस्क फ्री होता है इलेक्शन का. जो मैं बता रहा हूँ कॉल बुक बाई के तो टोटल कॉस्टिंग 180 समथिंग आई थी, और इलेक्शन के रिजल्ट एक दिन पहले निकले 420 रुपीज. दोनों का सम इवन मार्केट बढ़ा था, कुछ नहीं गिरा बिल्कुल भी, और कॉल डबल हो गया था. रीजन बिकॉज आई बी भी कर सकते, आप स्ट्रगल बना रहे हो तो स्ट्रगल बना रहे हो तो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आप ले सकते हो. तो इसमें हम नेक्स्ट साइड पर बढ़ते हैं आगे. सिंपल मूविंग एवरेज नाउ ऑप्शन से मैं टैकल करके आ रहा हूं. सिंपल मूविंग एवरेज, आई एम नॉट हैव टू बी एवरेज, आई एम हैव टू बी ऑसम. एवरेज का इसका नाम है सिंपल मूविंग एवरेज, बट इट्स नॉट द एवरेज रिजल्ट. इसके रिजल्ट एवरेज नहीं आते, इसके रिजल्ट ऑसम आते हैं. इसके रिजल्ट ऑसम मिलेंगे आपको. हम स्टार्ट करते टॉप डाउन अप्रोच, लाइक स्टार्ट करते वीकली चार्ट से. स्टार्ट विद निफ्टी, आपका जो वर्क में 50, 100, 200 जो मोस्ट कॉमन है, सबसे सिंपल है, उसी को फॉलो करता. आप निफ्टी का बोलता देखो कहाँ बना था 200, ये जो वाइपर बैंक है 200 वीकली एवरेज है, 200 वीकली एवरेज. अब पुराना निफ्टी कभी भी इसके नीचे नहीं जाता है. तो टेक्निक फंडामेंटली बोला वैल्यूएशन बहुत अच्छे, बट टेक्निकली दिस वाज वैल्यूएशन वाज परफेक्ट टू बाय. आप देख लो निफ्टी पुराना हम जाते हैं 2013 में 2008 में, एक जो सबसे बड़ा करेक्शन आया था 2008 में, उसी टाइम हम गए थे बस. वरना नॉर्मली हम 200 डे के एवरेज से एक शार्प बाउंस बैक देखते हैं हमेशा. 200 वीकली एवरेज, सॉरी मैं डेली बोल रहा हूं, 200 वीकली एवरेज. अभी भी जो बॉटम मैंने आप देख रहे हो 200 सिमिलरली बैंक के भी 200 वीकली एवरेज से पलटा. मोस्ट ऑफ द क्वालिटी स्टॉक के जो बॉटम से वो इसी पे है. दैट्स एक स्टॉक आपको इन्वेस्टमेंट के लिए बता रहा हूं, फ्रंटलाइनर है इसी बेसिस पे. Kind of formation becoming inverse head and shoulder. First step, head, shoulder has become, head has become, it's trying to make left shoulder. So it may correct, it would be a buying opportunity for you. But for investor, it's a good time to buy this stock. Stop lagao ki lagao? Pardon? Stop lagao ki lagao? Stop loss, we should provide stop loss. Below 200, we can keep stop loss plus minus 3% to be able to comfortable at the. But what I'm saying, how magically it works, for simple loss it 200 week average. Whenever it comes there, it will give a sharp move. हमने ये बात के लिए देख ली. अब जब we comes to they will come to daily chart. We start with Maruti. हम पास में देखे जब Maruti का bull run था, it never comes below 50 day average.
Whenever it comes 50 day away, we give a good, let's say primary classical uptrend tha iska. जब भी 50 एवरेज के आसपास आता था वी इंडिकेटर को डॉट आप देख सकते हो यहां पे ये ग्रीन लाइन जो 50 के एवरेज की है यहां से हमको बाउंस बन गया अब ये कंसोलिडेशन फेज में आ गया तो इसने अपना बेस धीरे-धीरे 50 से कहां शिफ्ट कर लिया 100 पे नाउ आप देखो 50 इसके लिए इतना वर्क नहीं कर रहा 100 वर्क कर रहा है ये फिक्स नहीं है डिपेंड्स ऑन स्टॉक कुछ स्टॉक 200 को फॉलो करते हैं कुछ 100 को फॉलो करते हैं कुछ 50 और ट्रेंड पर डिपेंड करता है लाइक मारुति पहले 50 को फॉलो कर रहा था ये 100 पे आ गया जैसे इसने ये वाई वाली लाइन 200 है एक ट्रेंड चेंज हो गया ऊपर आया फिर 50 पे एक बार रुकने की कोशिश की क्लोज कर गया 100 पे रुकने की कोशिश कर रहा है बट अल्टीमेटली जस्ट 100 क्रॉस किया थे वी विल स्टार्ट अ गुड अप मूव और टाइम ऑफ इनवर्स एंड चलो फॉर्मेशन भी आलोक कर रहा है नाउ कम टू इंट्राडे इंट्राडे नॉर्मली बहुत कम लोग होते हैं जो एवरेज यूज करते हैं आपके जो टूल्स है अभी तो मैं पूरी इक्विटी की बात कर रहा हूँ बट इंट्राडे में कमोडिटी के लिए भी और करेंसी के लिए भी कुछ एग्जांपल है और मैं 15 मिनट के चार्ट को फॉलो करता हूँ नॉर्मली तो 15 मिनट की अपने इक्विटी मार्केट में टोटल 25 कैंडलस्टिक्स बनती है तो 25 के एवरेज को फॉलो करता हूँ कमोडिटी में 54 समथिंग बनती है एंड करेंसी में 32 वो एवरेज लाइन सिंपल होंगे एवरेज बहुत अच्छे से वर्क करती है मैं निफ्टी में बताता हूँ निफ्टी में 50 का भी यूज करता हूँ 25 और 50 दोनों इंट्राडे में proper entry time like अगर हम down तो after time है जब भी dip आता है तो first जो support लेता है वो normal 25 के average पे लेता है and second support अगर ज़्यादा volatility है तो 50 पे आ जाता है तो आगे बढ़ते हैं start करते हैं आप observe करना green line है जो 50 की है अब जब market ये sharply fall आ रहा था जब भी 50 के आसपास आता है उसके ऊपर जाने में जा नहीं पा रहा था वहां का भी प्रॉब्लम नहीं आती अब जब ये ऊपर रैली किया आप देखो जब स्मूथ मूव था ये रहने वाली क्रम से 25 का जो वाइट वाली लाइन थी वहां से बाउंस हो जाता आप देख रहे हो यहां जब भी आया अच्छी बाइंग मतलब उसके नीचे जा नहीं पा रहा था उसको थोड़ा 50 उसके लिए काम करने लगा
आपकी नीचे अगर आया है तो ये लेवल उसके लिए रेजिस्टेंस का काम करते हैं। मतलब आपको समझ एंट्री लेना कि कहाँ आपको बाय करना है, कहाँ सेल करना है, क्योंकि बहुत छोटा स्टॉप लॉस के साथ आप एंट्री या एग्जिट कर सकते हो। देख सकते हो मैंने टाइम से यूज किया मल्टीपल सपोर्ट रेजिस्टेंस। प्ले ऑन फर्स्ट 15 मिनट कैंडलस्टिक, फर्स्ट 15 मिनट की कैंडलस्टिक को यूज करके कैसे काम किया जा सकता है। कैंडलस्टिक्स की जो शैडोज होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। फर्स्ट यहाँ पे आप देख लो फर्स्ट कैंडलस्टिक है, बना नीचे से एक शैडो मार के आया, मतलब पैनिक क्रिएट करके आया करने पे, उस पैनिक में किसी ने पानी किया है। आपको पहले कैंडल देख के लग रहा होगा जो बस ये जो कैंडल बनता है मॉर्निंग में, अगर नीचे अच्छा शैडो छोड़ा इस टाइप का कैंडल बना है, this stock will give you a good buying opportunity. आपको ये पहले कैंडल करने के बाद आप buying करो, इसमें आपको अच्छा normally अच्छा return मिल जाए। intraday की बात कर रहा हूँ। आप देखो ये एक चीज और बताना चाहूंगा, 10 आगे मैं डिस्कस करूंगा लेकिन पहले बताता हूँ कि 10 बजे का टाइम एक सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह भी काम करता है। हाई और लो में बिफोर 10 AM विल एक्ट एज सपोर्ट रेजिस्टेंस। यहाँ देख रहे हो ये 10 है, ये 10 बजे के पहले की 3 कैंडल, मतलब 10 बज गए 15 मिनट की है, तो इसके पहले का जो टाइम था ये रेजिस्टेंस था, इसको जैसे ही क्रॉस किया क्रैक रह गया है। सिमिलरली ऊपर हम इधर हमने बाइंग के लिए देखा, सिमिलर टू सेलिंग के लिए ऊपर साइड छोड़ के आया, जैसे आप देख रहे थर्ड कैंडल बन गए, ये थर्ड कैंडल मतलब 10 बजे तक का है। अब दिन भर इस लेवल को उसने होल्ड करके रखा, इसके नीचे गया नहीं है, तो जो 10 बजे के पहले का हाई लो होता है वो सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। यहाँ देखिए आप इसमें भी सिमिलर है, नीचे शैडो छोड़ के आया, 10 बजे के पहले का जो हाई बन गया तो बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस की तरह काम किया, लेकिन जैसे ही क्रॉस किया एक स्मूथ स्टीप ट्राई है। सेम एग्जांपल यहाँ भी ये कैंडल बन गई थी, पहली कैंडल ये 10 बजे का पहले का लो था, जैसे इसको ब्रेक किया शार्प हो रहा है। हाँ यहाँ पे प्योर का एग्जाम्पल देना चाहता हूँ, कोई भी स्टॉक में तेजी लग रही, लाइक ये स्टॉक शुरू की दो कैंडल मुझे तेजी बताई फिर नीचे आया, आप देखो प्योर पे आके रुका है, वहां से एक बेस बनाने की कोशिश करें। इस लेवल से बाइंग आने का मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं स्टॉक में बहुत स्ट्रेंथ है, वहां से बाइंग आई क्रॉस किया और फिर लाइव किया। यहाँ तो दिख रहा है कि ओपन हाई भी सेम है और वो हाई कहाँ प्योर के ऊपर ही है, वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक शॉर्ट। अगर किसी स्टॉक का ओपन हाई सेम है और वो प्योर पे है, दिस विल बी वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक टू शॉर्ट। यहाँ भी देख लो कि 10 बजे तक का जो लो था इसने बहुत देर तक होल्ड किया, लेकिन जैसे उसने 10 बजे के लो को ब्रेक किया फिर फॉल आया। हाँ अब यहाँ सुबह तो वीकनेस दिखी, लेकिन 10 बजे का जो लो बन गया था वहां पे इसने बॉटम बनाने की कोशिश की, एक पैनिक ये वाली कैंडल जो बता रही है पैनिक बता रही है, ये 10 बजे तक का लो बन चुका था, इसको तोड़ने की कोशिश नहीं किया, यहाँ से रिवर्सल बनाने की कोशिश, रिवर्सल बना तो बिल्कुल शार्प रिवर्सल आया। मतलब 10 बजे का जो उसके पहले जो हाई लो बन जाता है वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह वर्क करता है। यहाँ पे सिमिलरली यहाँ 10 बजे के पहले का जो हाई बन गया ये रेजिस्टेंस की तरह काम कर गया, वहां से रिवर्स किया तो बिल्कुल रिवर्स हो गया। कल का एक लेटेस्ट एग्जांपल है, यूपीएल अभी बहुत दिनों से अच्छा चल रहा था, इस कंटीन्यूअसली अप ट्रेंड, कल पूरा मार्केट जब नीचे खुला वो भाग रहा ऊपर जा रहा था, लेकिन जब मार्केट ऊपर आने लगा वो 10 बजे के बाद पलट गया, लो टू लो बंद हुआ, मार्केट हाई टू हाई बंद हुआ, लो टू लो, जबकि स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में था, बट रीजन ये था उसने 10 बजे के पहले का जो लो बना गया था उसके ऊपर नहीं जा पाया, वहां से रिवर्स आया, एटीपी के नीचे स्लिप हुआ, एटीपी जैसे नीचे स्लिप हुआ शार्प फॉल आया और वो लो टू लो बंद हुआ, तो मार्केट भी हाई टू बंद हुआ। तो ऑब्जर्वेशन शायद आप कुछ लोग एग्री करें ना करें, बट ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, और ऑब्जर्वेशन में डिस्कस करना चाहता हूँ। SBI का धोखेबाज, लाइक नॉट ऐसा नहीं कि इसमें फेल होते कॉल, उसके पीछे लॉजिक दूसरा है, लाइक कल तो ठीक है, कल क्या हुआ था मॉर्निंग से PSU बैंक में स्ट्रेंथ दिख रही थी, कल मॉर्निंग से PSU बैंक में स्ट्रेंथ दिख रही थी, बट नॉर्मल कंडीशन में लाइक मार्केट अच्छा चल रहा है, स्मूथली ऊपर जा रहा है, लेकिन ये SBI नहीं चल रहा, बैठा हुआ है वो, पूरा मार्केट चल रहा है वो नहीं चल रहा है, अब मार्केट रुक गया है, ये अचानक से हाई बनाता है, समझ लो मार्केट मुझे पूरा पलटने वाला है। दिस इज इफेक्ट, परसों का मैं एग्जांपल पर परसों मैंने लाया था,
क्या होता है सब रिटेल इन्वेस्टर को एसबीआई क्या दिख गया बोले मार्केट तो अब भागेगा नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर ये सोचता है एसबीआई सबसे मेन स्टॉक है ये भागा तब तो पूरा मार्केट भाग गया और मार्केट पूरा चल रहा था अब मार्केट रुक गया नॉर्मली होता ही लोग बोलने के पहले मार्केट रुक जाता थोड़ा पर अब एसबीआई हाई बना गया नया हाई बना दिया धीरे धीरे तो वहीं से मार्केट रिवर्स हो जाता है परसों ऐसे ही हुआ परसों मार्केट अच्छा रिकवर किया रैली किया यूरोप होने का टाइम हुआ रुका ये एसबीआई ने क्या है हाई बनाया मार्केट पूरा रिवर्स होकर पूरा लो पलट गया तो मोस्ट ऑफ द टाइम 70% ऐसा होता है अगर इसमें इसकी अलग अपने बुल ट्रेंड है वो बात अलग होती है कि अपने खुद ही अपने बुल ट्रेंड में बट बहुत कम केस होते हैं कि ये रैली कर अपने बुल ट्रेंड में होता है मोस्ट ऑफ द टाइम तो या तो फ्लैटिश होता है या डाउन ट्रेंड में होता है OMC resistance between 10 AM to 11 AM. BTC, HPCL normally सुबह मॉर्निंग में चलते हैं 10-11 बजे बाद उठ जाते हैं हार्डली होता है कि वो उसके बाद चलते हैं इसलिए उसके बाद कोई नहीं बनाएगी वहाँ रजिस्टेंस मिलता है उसके बाद तो नहीं चलते या तो पूरा टाइम पलट देंगे या फिर दिन भर में एंट्री अगर वो चले तो कुल दिन भर 4-5-6% चल जाएंगे जैसे कल का दिन था कल वो स्मूथली चल रहे थे कुछ देर ऐसे होते हैं बहुत अच्छे चलते लेकिन जिस दिन आ जाएगी 10 बजे के बाद 11 बजे तक रुक गए नहीं चल रहे तो उसमें एंट्री लेना सही नहीं है ये भी वापस नीचे आ जाते हैं मेटल्स मॉर्निंग ट्रेंड अभी ये काम नहीं कर रहा है लॉजिक क्योंकि मेटल अपने बढ़ रहा है तो दिस इज नॉट द लॉजिक मेटल की जगह हम बोल सकते हैं कोई भी वो स्टॉक वो सेक्टर जो अभी अपने डाउन ट्रेंड में है लाइक मॉर्निंग खुला मार्केट और वो स्टॉक सुबह खुलते से बाहर के जो होते पीक थे और शुरू के 15 मिनट के आगे में चले समझ लो वापस दिन भर पीते रहेंगे सुबह सुबह चल गए और दिन भर फॉल आता रहे नॉर्मली मेटल स्टॉक में पहले ऐसा होता था अभी भी ये सुबह बीच में मतलब जो भी वीक सेक्टर है खुलते से थोड़ा सा चलेगा आपको एलोर करेगा लग जाएगा ट्रेड करने के लिए मोस्ट प्रोबेबली 15-30 मिनट वहीं से रिवर्स हो जाता है और 3-4% नीचे आपको उठा देगा या आपको फंसा देगा अवॉइड शॉर्टिंग फार्मा इन सेकेंड हाफ फार्मा कितने भी वीक हो अभी तो उनका पिछला दो बहुत खराब रहा बट नॉर्मली सेकेंड हाफ में वो नहीं गिरते हैं रिकवर कर जाते हैं सेकेंड हाफ में नहीं गिरते हैं एंड दिस लास्ट वन टाटा मोटर्स इज अ गुड फ्रेंड ऑफ टाइम फॉलोअर नॉट फॉर ट्रेड इंट्राडे ट्रेडिंग टाटा मोटर जब भी चलता है 25-30% इंडियन मूवमेंट देता है गिरता भी 25-30% इंडियन मूवमेंट चढ़ता भी 25-30% इंडियन मूवमेंट अभी जो गिरा है तो ऐसा नहीं कि ट्रेंड रिवर्स हो गया है तो आप ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई करोगे जो करेक्ट हुआ है ऊपर जाता है अगर प्रीवियस हाई नहीं क्रॉस करता है मतलब लोअर हाई और लोअर बॉटम बना लेगा तब भी होगा कि ट्रेंड चेंज हुआ जो भी ट्रेंड फॉलो करते हैं टाटा मोटर से गुड स्टॉक गुड ट्रेंड फॉलो वर्टिकली गिरता है वर्टिकली रहता है सो दिस वाज माय सम ऑब्जर्वेशन एंड टाइम जस्ट दो तीन पॉइंट्स ऐड करने थे टीजे वाली प्रेजेंटेशन में भी जो स्टडीज है उसमें जो पीई का है कोरिलेशन टू रिटर्न्स या जो फ्यूचर रिटर्न्स होंगे इज फार बेटर एज कंपेयर टू पीजी एंड डिविडेंड इन निफ्टी राइट सो व्हेनेवर यू आर डूइंग योर एनालिसिस रिलाई मोर ऑन पीई रादर देन पीजी और डिविडेंड ये स्टडी तो बता और संतोष ने बहुत शानदार किया इसमें दो चीज़ें हैं एक तो वर्ल्ड वाइड जो स्टडीज हुई हैं एनालिसिस पे तो दे फाउंड आउट ऑन अ वेरी बिग टाइम फ्रेम अ मूविंग एवरेज ऑफ 10 मंथ्स टू बी वन ऑफ द बेस्ट इंडिकेटर फॉर लॉन्ग टर्म डायरेक्शन ऑफ मार्केट्स ओके सो एक रैंडम वो है 10 मंथ्स एंड आई ऑल्सो यूज फॉर ट्रेंड इन वीकली टाइम फ्रेम आई यूज अ सिंपल मूविंग एवरेज ऑफ 52 वीक्स आप उसको लगा के देखिए यू विल फाइंड लॉट ऑफ टाइम्स यू विल गेट टू सी कि किस डायरेक्शन में वो स्टॉक क्या हो चल रहा है बाकी इंटरडे वाला संतोष लॉट ऑफ इंटरेस्ट स्टडी की हुई है और मुझे मालूम है कि उस पीरियड में अगर आप ऑब्जर्वेंट हैं और स्टेटिस्टिकली आप देखिए या आगे चल के मार्क कीजिए आपको हाई या लो दोनों में से एक मिल जाएगा और मेरी जो 9:15 से 9:30 की ट्रेड होती है पहले जो मैं डालता था कंटिन्यूअसली उस ट्रेड में भी मेरा अंडरलाइंग अजम्पशन वही होता था वो मेरा अंडरलाइंग अजम्पशन होता था कि दोनों में से एक चीज मुझे समझ में आया थी कि मेरे गैन नंबर से या मेरी टेक्निक से इसलिए वो 9:15 9:16 पे आप लोग आंखें मलते हुए आते थे मेरा ट्रेड डल जाता था तो काफी चीजों को संतोष ने प्रैक्टिकली चीजों को टच किया फैंटास्टिक यही हमारे फोरम की स्ट्रेंथ है
कोई रॉकेट साइंस नहीं, मेरा कहना है थोड़े थोड़े करके जो भी चीजें हम कर रहे हैं उसको सामने लाएंगे, आइडियाज को शेयर करेंगे। कई बार किसी का आइडिया कहीं और काम कर जाता है, किसी और को वो चीज ट्रिगर कर जाता है, वो जाके फिर अपने एंड उस चीज को करना पड़ता है। तो आप उसमें जो सारा होता है मॉडल्स हैं, लैक्सुअल मॉडल है, तो आप सारे ऑप्शन का डेट मतलब निफ्टी का आप डेटा फीड कीजिए, कॉल और पुट का, ठीक है। सपोज करिए निफ्टी चल रहा है 7750 फॉर एग्जांपल, तो 78 का कॉल और 77 का पुट, ये नियरेस्ट हो गया उसका करीब करीब। या एक्टिव मनी चाहते हैं तो एक्टिव मनी कर लीजिए 7750, और दोनों की प्राइस निकाल लीजिए। प्राइस निकल गई थियोरिटिकल, सीएमपी आपके सामने है, ठीक है। अब आपको सिर्फ मार्किंग ये करनी है कि दोनों में से एक, जिस दिन ये रोज कर रहे हैं एक्सरसाइज, दोनों में से एक जिस दिन 35% कम से कम डिस्काउंट पे ट्रेड कर रही हो, यानी कि फेयर वैल्यू हुई 100 रुपया फॉर एग्जाम्पल, हाँ, और रेट चल रहा है 65, और ये दिन आएंगे, ये दिन आए आते हैं, तो एक ट्रेड करेगा ऑलमोस्ट 35% पे, और दूसरा ऑलमोस्ट नॉर्मल पे ट्रेड कर रहा है या 5-10% प्रीमियम पे ट्रेड कर रहा है। ये नहीं, स्थिति ये हो सकती है कि 100 रुपए ऑप्शन की कॉल की फेयर प्राइस थी, वो 65 ट्रेड कर रहा है, विच मीन्स इट इज ट्रेडिंग एट 35% डिस्काउंट। जी सर, वोलेटिलिटी उसमें कंपोनेंट कैसे आप ट्रीट करते हैं उस कैलकुलेशन? जी, वोलेटिलिटी आपको एनएससी से मिल जाएगी। आप कोई भी ऑप्शन कैलकुलेटर पे जाइए, उसमें नीचे एक लिंक होगा, वो लिंक बोलेगा आज की एनुअल, आज की वोलेटिलिटी क्या है, वो वोलेटिलिटी का नंबर आप डालेंगे।